अजब गजब घर जमाई। एक नारियल लेकिन आपके जीवन की अलग अलग। अरे दी बन क्यों किया, हमारी फेवरेट मूवी आ रही है, चलिए ना साथ में देखेंगे। नहीं डॉली, आज के बाद तुम्हें सब कुछ अकेले ही देखना होगा, क्योंकि आज मुझे ये एहसास हो गया है कि आज से मैं इस घर की बड़ी बेटी नहीं हूँ। क्यों दी, आप हमारी बड़ी बहन थी हो और हमेशा रहोगी। नानी जी ने जो अन्याय मेरी मोनिका और मेरे महान जी के साथ किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। दी तुम लोग यही चाहते हो ना कि हम इस घर को छोड़ के चले जाएं, तो हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे डॉली, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या कह रही हो? मैं और मेरे महान जी जितना बन पड़ेगा कर लेंगे अपनी मोनिका के लिए। वैसे भी नानी ने चिंटू जी के नाम वसीयत करके ये एहसास दिला दिया है कि उनकी नजरों में तो मेरे महान जी कुछ है ही नहीं। रुकिए दी, चिंटू जी के नाम वसीयत? हमें कुछ भी नहीं चाहिए दी। और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया, सबको अपना हक मिलना चाहिए। डॉली नानी ने फैसला कर लिया है और अब कुछ नहीं हो सकता। तो नानी को फैसला बदलना होगा दी, चलिए। अरे कमर में दर्द हो गई चिंटू के बच्चे का काम कर करके। अरे मेरा तो बुढ़ापा आने से पहले ही मेरे दिन पूरे करने की ठान लिए जाड़ू भाई ने। चिंटू कहाँ है? अरे चिंटू बेटा, चिंटू। नानी जी की जय हो। हाँ बेटा देखो यहाँ और यहाँ साइन कर दो, वकील साहब ने कहा कि यहाँ तुम्हारे साइन लगेंगे, उसने क्रॉस कर रखे हैं। इसी का ही तो इंतजार था नानी जी। रुक जाइए चिंटू जी। नहीं। ये लीजिए नानी जी, जय हो गया नानी जी, देख लो आप। चिंटू जी ये आपने क्या किया? डॉली क्या हो गया तुम्हें, इतना क्यों चिल्ला रही हो? नानी आपने खुद ही कहा था ना कि इस घर का कभी बंटवारा नहीं होगा। हाँ। तो आपने चिंटू जी को अपना वारिस क्यों बनाया नानी, और नाना जी और महान जी को वसीयत का हिस्सा ही नहीं दिया? क्यों नानी क्यों? हाँ। वसीयत वारिस, ये क्या बातें कर रही हो तुम? जगदम्बे तुम्हें, तुम बात कर रही थी ना वसीयत की। अच्छा वो, हाँ हाँ, अरे मरने से पहले वसीयत कर लेंगे। अभी हमें बहुत साल और जीना है पन्ना जी, अभी आपको जगदम्बा शक्तिशाली को कम से कम 40 बरस और झेलना पड़ेगा। अरे जगदम्बे मरे तुम्हारे दुश्मन, हमारे लिए तो सब कुछ तुम ही हो। लेकिन एक बात तो है कि वसीयत के दावेदारों पर नजर रहेगी हमारी। तो नानी जी ये फाइल, ये फाइल, ये तो, अरे हम जो नई दुकान ले रहे हैं ना उससे हमने लोन लिया है बैंक से, तो बैंक वालों को एक गारंटर की जरूरत पड़ती है, तो वकील साहब से कहकर हमने चिंटू का नाम लिखवा दिया। अब खुदा ना खास्ता अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो बैंक वाले तो चिंटू की गर्दन पकड़ेंगे। अच्छा नहीं चुका पाए तो ना। और चिंटू बेटा ये बात तो हमने तुम्हें सुबह ही बता दी थी, फिर तुम, अच्छा ये बेटा चंट अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हाँ नानी जी की जय हो। नानी जी अगर दाल में तड़का ना हो तो स्वाद आता है क्या दाल का है? ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी में भी अगर तड़का ना हो ना नानी जी तो स्वाद नहीं आता। वो क्या है ना, जिंदगी में स्वाद लेने के लिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि साडू भाई और नाना जी के साथ थोड़े से मजे ले लेता हूँ, मजाक कर लेता हूँ। मजाक कर लिया है? साडू भाई नाना जी की जय हो। चिंटू साडू भाई, अजब गजब।